नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। चेन्नई के राजाजी हॉल में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयललिता के पार्थिव शरीर को दी अंतिम श्रद्धांजलि। राजाजी हॉल के बाहर जयललिता के समर्थकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शाम 4:30 बजे मरीना बीच पर किया जाएगा जयललिता का अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने जयललिता के निधन पर की एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, तो वहीं तमिलनाडु सरकार ने 7 दिनों के शोक का किया ऐलान। लखनऊ रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश को बताया बबुआ, तो वहीं सैफई महोत्सव पर उठाए सवाल। बीजेपी और कांग्रेस पर भी किए तीखे प्रहार। 500 के पुराने नोटों पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी किया एडवाइजरी। टोल प्लाजा पर 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक चलेंगे। टोल प्लाजा पर क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर ई वॉलेट से कर सकेंगे भुगतान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर चीन पर साधा निशाना। चीन पर मुद्रा के मूल्य में बदलाव करने और दक्षिण चीन सागर में सैन्य शक्ति बढ़ाने का लगाया आरोप। ट्रंप के ताइवान से बात करने पर चीन ने जताई थी नाराजगी। और भारत इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच में पार्थिव पटेल ही रहेंगे विकेटकीपर। ईशांत शर्मा की हुई छुट्टी, 8 दिसंबर को मुंबई में खेला जाएगा चौथा टेस्ट मैच। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।